मंथन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कहा जाता है कि जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी तो देवताओं ने ईश्वर से पूछा कि आप इस धरती पर रहेंगे कहाँ। तब ईश्वर ने उत्तर दिया था, माँ के हृदय में। माँ का हृदय, माँ इसका मतलब है करुणा, दया, ममता और सेवा का रूप। हम हर कोई हम में से माँ नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम माँ के जो गुण हैं अपने अंदर, दया, करुणा और सेवा जैसे गुणों को शामिल करके कम से कम माँ जैसा कुछ तो हम भी कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि हमें अपने जीवन का कुछ न कुछ समय हमेशा दूसरों का ध्यान रखने में लगाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कि माँ अपने बच्चों का और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती है। आपको इसके बारे में मैं एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक से जुड़ी हुई कहानी है। आइंस्टीन की कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आइंस्टीन विचारक थे, वैज्ञानिक थे और पूरे समय वो अपने विज्ञान के विचारों में खोए रहते थे। उनके लिए किसी का ध्यान रखना एक तरह से कुछ लोगों को अव्यवहारिक जैसा लग सकता है कि उनके पास कहाँ से समय आता होगा, लेकिन वे समय निकालते थे। सन 1936 में आइंस्टीन की पत्नी का निधन हो गया था। जब उनकी पत्नी नहीं रही तो उनकी बहन जिनका नाम माजा था उनके साथ आकर के रहने लगी ताकि वे आइंस्टीन की देखभाल कर सकें। बाद में माजा को दौरा पड़ा और वे कोमा में चली गई और अस्पताल में एडमिट हो गई। आप आश्चर्य करेंगे कि आइंस्टीन रोजाना प्रतिदिन दोपहर के 2 घंटे उनके पास जाते थे, उनके सिरहाने बैठते थे और फिलासफर प्लेटो की किताब जोर जोर से पढ़कर सुनाते थे। वहाँ के नर्सेज और डॉक्टर्स को आश्चर्य होता था। वे कहते थे कि माजा कुछ सुन नहीं सकती, कुछ समझ नहीं सकती क्योंकि वो कोमा में है। आइंस्टीन कहते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुन रही हैं या नहीं, मुझे फर्क ये पड़ रहा है कि मैं उनका ध्यान रखकर अपने को सुख पहुंचा रहा हूं और मुझे लगता है कि किसी का ध्यान रखने से प्रेम अभिव्यक्त होता है और प्रेम को अभिव्यक्त करना एक तरह से ईश्वर की आराधना करना होता है। तो आपने देखा कि आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक किस तरह से समय निकाल रहा था अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए। हो सकता है कि कुछ लोग इस पर विश्वास न करें, लेकिन ये सच है। सच इसलिए है कि आइंस्टीन इस सत्य को भी जानते थे कि ध्यान रखने से वक्त बर्बाद नहीं होता है। सच यह है कि हम किसी के ध्यान रखने में जितना समय लगाते हैं उससे कई गुना समय हमें वापस मिलता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इसकी होती है वह यह कि जब हम किसी का ध्यान रखते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां एक निश्चित बिंदु पर काम करने लगती हैं, और अगर हम में यह क्षमता पैदा हो जाए तो हमारी कार्य करने की शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति और यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्ति भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि आइंस्टीन वैज्ञानिक भले ही थे लेकिन उससे भी बड़े वे एक आध्यात्मिक पुरुष थे। उनके अगर आप विचार सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। वो इसलिए था क्योंकि वो ध्यान रखने की शक्ति को जानते थे। तो मैं यहाँ आपको 2-3 छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा जिससे आप भी इस तरह अपने अभ्यास में लाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो यह कि जब भी किसी का ध्यान रखने का अवसर आए, आप यह न सोचें कि यह मेरा है या पराया है। आप ध्यान रखिए। ध्यान रखने का मतलब यह नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा बड़ा ही काम करें। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी है तो आप उसे पानी पिला सकते हैं, उसका ध्यान रखना हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका कोई मित्र या कोई परिचित अस्पताल में एडमिट है, आप एक बार उसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि तुम कैसे हो, ये भी ध्यान रखना हो जाएगा। ध्यान रखने का मतलब नहीं कि आप कोई उसे वस्तु ही दें या उसके पास ही जाएं। आप उसे एहसास कराएं कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा और आपसे भी अधिक अच्छा उसे लगेगा जिसका आप ध्यान रख रहे हैं, और उसके अच्छे लगने से उसकी जो तरंगे हैं वो आप तक पहुंचेंगी और वे आपके जीवन को सुखमय बनाएंगी, आनंदपूर्ण बनाएंगी। आज के मंथन में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।